नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आ जाया हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रेश वाटर जनरेटर। फ्रेश वाटर जनरेटर हम शिप में क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों, क्या है कि स्टैट्स के अनुसार पर क्रू 70 लीटर्स पर डे कंज्यूम करता है वाटर, सभी यूज़ के लिए, उसके नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, सभी यूज़ के लिए। तो आप मान लीजिए कि शिप में अगर 20 क्रू मेंबर्स हैं तो कितना पानी लगेगा, और पैसेंजर शिप में तो इससे भी ज़्यादा है क्वांटिटी, जो 100 लीटर्स पर डे कंजम्पशन है। तो हम उतना पानी कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंडेंसर, ये प्लेट टाइप कंडेंसर है, और यहाँ पे है इवेपरेटर, ये प्लेट टाइप इवेपरेटर है, और यहाँ पे है डिमिस्टर। ये डिमिस्टर बेसिकली एक जाली होती है जो ट्रैप करती है, जाली होती है, ये मोनेल टाइप की होती है या फिर पॉलीप्रोपिलीन टाइप की होती है। और ये है इजेक्टर, यहाँ पे कंबाइन इजेक्टर यूज़ किया गया है, यहाँ पे एयर और ब्राइन दोनों का कंबाइन इजेक्टर है। इसका फंक्शन मैं आपको अंत में बता दूंगा। ये है सी वाटर पम्प, ये फ्रेश वाटर पम्प, और ये है जैकेट वाटर। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके वर्किंग की, ये कैसे वर्क करता है। तो क्या होता है कि अपना जो मेन इंजन है वो आपको पता है कंबशन होता है, अब हमें रोटेशन मिलता है, तो वो कंबशन के बाद में जो हीट जनरेट होता है उसको कूल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जैकेट वाटर। तो ये जैकेट वाटर, हम जो गर्म पानी होता है जैकेट वाटर, वो हम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे हीट एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इवेपरेटर और कंडेंसर एक टाइप के हीट एक्सचेंजर ही होते हैं, प्लेट टाइप के। तो हम यहाँ से आता है, यहाँ पे अराउंड 80 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से इन होता है और निकलता है 72 डिग्री या फिर 70 डिग्री पे। तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 और तू बोल रहा है कि ये 80 डिग्री है, तो कैसे हीट एक्सचेंज होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे अपना काम करता है गेलुसेक्स लॉ और कंबाइन गैस लॉ। तो उस लॉ के अनुसार क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर डिक्रीज कर दो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस जो इवेपरेटर या चेम्बर है यहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 40-45 या फिर 50 डिग्री तक आ जाएगा, तो इजीली इवेपरेट होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो अपना इजेक्टर है, इजेक्टर पंप एयर इजेक्टर, यहाँ से वो निकालता है गैसेस को निकालता है। जब यहाँ से गैसेस निकालेंगे ये अप टू 90% वैक्यूम बनेगा, तो 45-50 डिग्री पे इवेपरेट होगा। तो चलिए बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो जब हम सी वाटर पंप से सी वाटर अंदर भेजते हैं तो यहाँ पे और इस कंपार्टमेंट में सी वाटर आ जाएगा, तो हम जो जैकेट वाटर, मेन इंजन का जैकेट वाटर है, वो यहाँ से भेजते हैं। और जब 90% तक वैक्यूम क्रिएट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज़ होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तभी यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है और वाटर इवेपरेट होता है। जब इवेपरेट होता है, जो भी सॉल्ट कंटेंट या फिर डिपॉजिट्स है वो नीचे ब्राइन की तरह सेटल हो जाते हैं। तो ये ब्राइन सेटल होता है, ये हम ब्राइन इजेक्टर से निकाल देते हैं, ओवरबोर्ड कर देते हैं। और जो भी यहाँ पे होता है, जो भी वाटर स्टीम होता है, वो स्टीम यहाँ से यहाँ पे जाता है कंडेंसेशन चैम्बर में। जो स्टीम जाता है वो डिमिस्टर से पास होता है। तो डिमिस्टर का फंक्शन क्या होता है, कभी कभी यहाँ से ब्राइन मतलब कैरी ओवर होता है या फिर सॉल्ट कंटेंट कैरी ओवर होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम डिमिस्टर यूज़ करते हैं। तो कंडेंसर में जाता है और यहाँ पे कंडेंस होता है पानी, तो यहाँ पे फिर से हीट एक्सचेंज होता है। जो अपना स्टीम है वो वाटर में कंडेंस होता है और यहाँ पे अपने को पानी मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। तो ये वाटर जाता है यहाँ पे, आप ये ब्लू लाइन देख सकते हो, यहाँ पे जाता है और फ्रेश वाटर पंप से नीचे आता है। तो फ्रेश वाटर पंप से जब नीचे आता है, यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व होता है और सेलेनोमीटर होता है। तो वो क्या करता है कि सेलेनोमीटर सॉल्ट कंटेंट चेक करता है। जब वो चेक करता है, अगर वो एक्सेप्टेड लेवल में है तो वो आगे जाके टैंक में स्टोर होता है, अगर वो नहीं है तो या फिर हम रिसर्कुलेट कर सकते हैं, फिर उसको निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं इजेक्टर पंप की। तो ये इजेक्टर पंप कैसे काम करता है? तो इजेक्टर पंप का काम क्या होता है कि जब ये ऐसे पानी, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से ऐसे लाइन आई है, कंडेंसर से लाइन आई है, तो ये जब यहाँ से ऐसे निकलता है, तब ये जब निकलता है तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट करता है।
तो ये सक्शन के कारण ये ब्राइन भी खींच सकता है और इस सक्शन के कारण एयर भी खींच सकता है, जो भी एयर है। तो इसका मेंटेनेंस में क्या है, तो मेंटेनेंस में क्या है कि दोस्तों, ये जब यहाँ पे इवेपोरेट होता है तो स्केल्स बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम होता है, तो स्केल्स बनने के चांसेस है। तो वो डीस्केलिंग करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, और कभी कभी वैक्यूम लॉस होता है क्योंकि थोड़ा लीकेज होता है, कुछ भी होता है, तो वो वैक्यूम के लिए लॉस नहीं होना है इसलिए मेंटेनेंस करते हैं, और ये प्रेशर का लीकेज जो होता है उसको ये करते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये फ्रेश वाटर जनरेटर के बारे में समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।